दोस्तों, मैं मोहम्मद सरफराज, मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। आज हम हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर पढ़ेंगे। यह विभाजन भूगोलवेत्ता सिडनी बुराड ने दिया था। यह जो भूगोलवेत्ता थे, इनका नाम था सिडनी बुराड। ये महान भूगोलवेत्ता ने ही हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर बताया। तो चलिए हम देखते हैं कि इन्होंने कितने प्रकार से हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा है। तो इन्होंने हिमालय को चार हिमालय में बांटा है। नदियों के आधार पर इन्होंने हिमालय को चार प्रकार से बांटा है। इन्होंने जम्मू या पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय में बांटा है। तो नदी कौन कौन सी है और किन नदियों के बीच के क्षेत्र को इन्होंने पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय कहा है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी, सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी, लद्दाख के दक्षिण में जास्कर श्रेणी, जास्कर के दक्षिण में महान हिमालय, महान हिमालय के दक्षिण में लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय के दक्षिण में अर्थात सबसे दक्षिण में हमने शिवालिक श्रेणी को दर्शाया है। ये हो गई हिमालय की मुख्य पर्वत श्रेणियाँ। इसमें अब बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित होती हैं जो हिमालय को काट कर बहती हैं, तो उन्हें हम देखते हैं। जैसे कि हम देखेंगे सबसे पहले कौन सी नदी बहती है, तो हम जानते हैं कि तिब्बत में स्थित चेमा युंगलिंग ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है जो लद्दाख और जास्कर के बीच से प्रवाहित होती है। तो यहाँ से यह नदी निकलती है और लद्दाख और जास्कर के बीच से बहते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है। यहीं से एक नदी और निकलती है जो लद्दाख श्रेणी को काटकर सिंधु नदी में मिल जाती है, जिसे स्योक नदी के नाम से जानते हैं। यह नदी है स्योक, यह स्योक नदी है। अब इसके दक्षिण में एक नदी है जिसे हम सतलज नदी के नाम से जानते हैं। सतलज नदी, यहीं से यह भी निकलती है मानसरोवर के पास से और हिमालय को काटती हुई जाके ये सिंधु नदी में मिल जाती है, जो सिंधु की एक बड़ी सहायक नदी है सतलज। अब हम देखते हैं इन्होंने किस प्रकार हिमालय का विभाजन किया। तो इन्होंने सबसे पहले बताया नदियों के आधार पर पहला हिमालय विभाजन इन्होंने किया, जिसे इन्होंने नाम दिया जम्मू या पंजाब हिमालय। तो पहला हो गया आपका जम्मू या पंजाब हिमालय। तो जम्मू और पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो जम्मू और पंजाब हिमालय यह सिंधु और सतलज के बीच है, अर्थात सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय के क्षेत्र को या हिमालय को हम जम्मू या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय का भाग है उसे हम जम्मू और पंजाब, जम्मू या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। यह क्षेत्र सिंधु और सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के बीच में है। नदियों का एक अलग अध्याय होगा, ये अभी हम हिमालय के विभाजन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम नदियों के बारे में उतना विशेष चर्चा नहीं करेंगे। ये हमारा हो गया जम्मू या पंजाब हिमालय। अब ये तो पूछा जाता है कि जम्मू या पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो जम्मू और पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में है। यहाँ से कुछ और प्रश्न बनते हैं, मतलब जम्मू हिमालय या पंजाब हिमालय के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जो पूछे जाते हैं, यह स्थान किस हिमालय में है, तो उसे आप नोट डाउन करिए कॉपी में। तो वह क्षेत्र है जैसे इस हिमालय क्षेत्र में है अमरनाथ गुफा, अमरनाथ गुफा, लोग यहाँ पे जाते हैं यात्रा पे, तो यह है अमरनाथ गुफा, यह जम्मू हिमालय के अंतर्गत है। इसके बाद है वैष्णो देवी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर प्रसिद्ध मंदिर, यह कहाँ पे है, यह भी पंजाब या जम्मू हिमालय के अंतर्गत आता है। एक यहाँ पे है मुस्लिम क्षेत्र जहाँ पे
एक है चरार ए शरीफ, ये मुस्लिम तीर्थ स्थल है चरार ए शरीफ। जिस प्रकार अलग अलग धर्मों का तीर्थ स्थल होता है उसी प्रकार चरार ए शरीफ मुस्लिम तीर्थ स्थल है। अब देखिए जम्मू या पंजाब हिमालय के अंतर्गत अमरनाथ गुफा, वैष्णो देवी मंदिर, चरार ए शरीफ आदि क्षेत्र आते हैं। जम्मू और पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में है। तो ये हो गया पहला जम्मू या पंजाब हिमालय जो सिंधु और सतलज के बीच में है। अब हम आगे चलते हैं, इसे आप नोट डाउन करते चलिए। सिडनी बुराड महोदय ने बताया अगला हिमालय जिन्होंने उसका नाम कुमायूं हिमालय कहा, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। अब कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र है। कुमायूं सतलज और काली। सतलज और काली नदी। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र में स्थित है। यह हमारा हो गया सतलज नदी, इसके उत्तर में हमारा है सिंधु और यहां से एक नदी बहती है जिसे हम काली काली नदी के नाम से जानते हैं। तो सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसे हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा कुमायूं हिमालय। अब इसमें से भी कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जो हमारा कुमायूं हिमालय के अंदर आता है। जैसे बहुत सारे पर्वत हैं, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि यह पर्वत चोटी किस हिमालय के अंतर्गत है, तो उसमें लघु मध्य महान नहीं दिया जाता, उसमें नदियों के आधार पर जो हिमालय के विभाजन है वो दे दिया जाता है, जिसमें ऑप्शन रहेगा जम्मू हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। हम नहीं पढ़े रहेंगे तो हमें लगेगा कहाँ से ये प्रश्न आ गया, लेकिन हम देखिए यहाँ पे देखते हैं कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में है। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं उसे हम देख लेते हैं, जैसे नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुच। देखिए जैसे नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ, त्रिशूल, आप बहुत सारे पर्वत इस क्षेत्र में आते हैं जिसमें कुछ प्रमुख थे यहाँ केदारनाथ। ये तो हो गए कुमायूं हिमालय के अंतर्गत कुछ चोटियां। इसके अलावा फूलों की घाटी, प्रश्न अक्सर ये पूछा जाता है कि फूलों की घाटी किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो फूलों की घाटी हिमालय जो फूलों की घाटी है वह कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। दून द्वार की घाटी ये सभी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। जैसे फूलों की घाटी दून द्वार घाटी ये सभी क्षेत्र जितने हैं ये सभी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच के का क्षेत्र है जिसमें नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, बहुत सारे पर्वत चोटियां हैं। इसके अलावा फूलों की घाटी, दून द्वार की घाटी, ये हो गया। तो पहला हो गया हमारा जम्मू या पंजाब हिमालय, दूसरा हो गया कुमायूं हिमालय। अब हम तीसरा देखते हैं जिसे सिडनी बुराड ने नेपाल हिमालय के नाम से बताया। तो अगला हम पढ़ेंगे नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय नाम से यह ज्ञात होता है कि नेपाल हिमालय वह क्षेत्र, हिमालय का वह क्षेत्र जो नेपाल में स्थित होगा उसे हम जानते हैं किसके नाम से, नेपाल के नाम से, नेपाल हिमालय। हम देखेंगे नेपाल हिमालय। तो ये हो गया हमारा काली नदी, ये हमारा पूरा क्षेत्र है नेपाल का। तो काली नदी और तिस्ता नदी, हमने पहले बताया था तिस्ता नदी, देखिए यहां से तिस्ता नदी प्रवाहित होती है,
तिस्ता नदी। तो काली नदी और तिस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है उसे हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। काली नदी और तिस्ता नदी, इनके बीच के हिमालय को हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। नेपाल हिमालय में हिमालय पर्वत की जितनी भी सर्वोच्च चोटियां हैं, ऊंची चोटियां, जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वह नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही देख लिया था कि नेपाल में बहुत सारे ऊंची चोटियां जैसे अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा बहुत सारे हैं। तो हम लिख रहे हैं, देखिए अगर हम देखेंगे तो धौलागिरी सबसे पश्चिम में, सबसे पश्चिम में अगर क्रम से हम देखें सबसे पश्चिम में है जो हिमालय में जो चोटी है वह है धौलागिरी। तो क्या हो गया हमारा धौलागिरी, ये हम क्रम से लिख रहे हैं धौलागिरी है। धौलागिरी के बाद कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद मसालू है, मसालू पर्वत चोटी। मसालू के बाद कौन सा है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट का नाम आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तिब्बत में तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है और एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। आगे देखते हैं हम, माउंट एवरेस्ट के बाद मकालू पर्वत श्रेणी है। मकालू है, मकालू पर्वत के बाद कंचनजंगा है अपना जो हमारे सिक्किम में, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और हिमालय का भी दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो ये हमारा हो गया नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के अंतर्गत विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में जो चोटी आती है वो है अन्नपूर्णा है, मसालू, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट। अब हम देखते हैं आगे, तो हमने नदियों के आधार पर तीन देख लिया, जम्मू ये पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय। अगला है असम हिमालय। अब असम हिमालय के नाम से ही ज्ञात होता है कि हिमालय का वह क्षेत्र जो असम राज्य में होगा तो वो होगा, लेकिन केवल असम राज्य में ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में भी जो हिमालय है उसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं असम हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पश्चिम में हिमालय सिंधु नदी और पूर्व में हिमालय दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। दिहांग नदी को ही ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। दिहांग नदी की बहुत सारे नाम है, जैसे सांगपुन है, दिहांग है, ब्रह्मपुत्र है, जमुना है, तो अलग अलग क्षेत्र में उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। जब हम नदी पढ़ेंगे तो उसमें हम ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं असम हिमालय। तो असम हिमालय दो नदियों के बीच में है, एक तो तिस्ता नदी और दूसरा दिहांग नदी। दिहांग नदी देखिए यहाँ से आता है ये और भारत में प्रवेश करता है। जैसे ही दिहांग नदी भारत में प्रवेश करता है उसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। तो असम हिमालय, तिस्ता नदी, तिस्ता और दिहांग नदी के बीच का जो हिमालय है उसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। असम हिमालय तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है। इसमें भी बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ अलग अलग पहाड़ियाँ हैं उसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया चार प्रकार से हिमालय नदियों के आधार पर, जिसे हम एक बार फिर क्रम से लिख दे रहे हैं। पहला हमारा था जम्मू हिमालय, जम्मू या पंजाब हिमालय। दूसरा था कुमायूं हिमालय। तीसरा हिमालय था नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय के बाद था असम हिमालय।
तो सिडनी बुराड महोदय ने नदियों के आधार पर हिमालय को चार भागों में बांटा, जम्मू या पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। जम्मू हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को कहा। उसके बाद कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना गया। कुमायूं हिमालय खासकर उत्तराखंड राज्य में अधिक है। उसके बाद नेपाल हिमालय जो काली और तिस्ता के बीच था, काली और तिस्ता के बाद तिस्ता और दहांग नदी के बीच असम हिमालय था। ये हमारा हो गया नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। अब हम ये नदियों के आधार पर हिमालय विभाजन खत्म हुआ। इसके बाद हम इसी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पूर्वोत्तर में कुछ पर्वत चोटियाँ छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं। देखिए यहाँ पे छोटी 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 बहुत सारे चोटियाँ हैं। चोटियाँ क्या, एक छोटी छोटी पर्वत श्रेणी है, उसको हम देख लेते हैं कि किस राज्य में कौन सी पर्वत श्रेणी है। जैसे कि पिछले वीडियो हमने कुछ पढ़े थे उसे भी मिला के इसमें पढ़ेंगे। तो हमारा हेडिंग होगा पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां। अब इसमें हम देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में एक छोटी पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसे हम टाइगर हिल के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न पूछता है कि टाइगर हिल किस राज्य में है, तो टाइगर हिल पर्वत श्रेणी है छोटी सी, टाइगर हिल ये हमारा है पश्चिम बंगाल में। टाइगर हिल पर्वत श्रेणी यह है पश्चिम बंगाल में। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में चार छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां दी गई है जो कि शिवालिक का ही भाग है। इसे अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ये क्रम से है, पश्चिम से पूर्व उसका नाम है डफला, डफला मीरी, अबोर मिसमी, डफला मीरी अबोर मिसमी। यह चारों पर्वत श्रेणियां जो शिवालिक के भाग हैं यह अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यह चार पर्वत श्रेणियां पश्चिम से पूर्व के क्रम में ये हैं, डफला मीरी अबोर मिसमी। अगर आप चित्र में देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे डफला है, फिर मीरी है, फिर अबोर है, मिसमी है। फिर इसी क्रम में दक्षिण में कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जो इसे ब्लू कलर मार्कर से दिखाया गया है। यह भी हिमालय का भाग है। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में ही इसे पटकाई, पिछली वीडियो में बताया था, फिर भी इसे देखिए अरुणाचल प्रदेश में इसे पटकाई बुम्ब, अरुणाचल प्रदेश में इसे पटकाई बुम्ब, नागालैंड में इसे नागा के नाम से जाना जाता है, मिजोरम में इसे मिजो के नाम से जाना जाता है। ये इन पहाड़ियों के नाम उन राज्य के नाम पर ही है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बुम और मणिपुर में इसे लैमा टोल के नाम से जानते हैं, मणिपुर में इसे लैमा टोल। तो ये है कुछ पूर्वोत्तर भारत की पर्वत श्रेणी जो छोटी छोटी हैं और हिमालय के ही भाग हैं। तो जिन्हें डफला मीरी अबोर मिसमी, यह चारों पहाड़ी उत्तर में है जो अरुणाचल प्रदेश में है। अब पूर्व में भारत के पूर्व में चार चोटियां नीचे की तरफ हैं, जिसे अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बुम, नागालैंड में नागा, मिजोरम में मिजो और मणिपुर में लैमा टोल के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि मेघालय में कुछ पर्वत श्रेणियां हैं और कुछ असम में है, उसे हम देख लेते हैं। तो असम में, मेघालय में हम देखते हैं मेघालय की पर्वत श्रेणियां। पूर्वोत्तर भारत में हम देखेंगे मेघालय की पर्वत श्रेणियां, मेघालय। तो मेघालय में मुख्य रूप से तीन पर्वत श्रेणी है जिसे हम जानते हैं, गारो, खासी और जयंतिया। सबसे पश्चिम में क्या है, गारो है, गारो के बाद खासी है, खासी के बाद जयंतिया है। यह वहां की जनजाति है, गारो, खासी, जयंती
मेघालय की जनजाति है, उन्हीं के आधार पर इन पर्वत श्रेणियों के नाम रखे गए हैं जो मेघालय में है। यह क्रम से है, सबसे पश्चिम में गारो है, उसके पूर्व में खासी है, खासी के पूर्व में जयंतिया है। तो यह मेघालय की पर्वत श्रेणी हो गए। जो मेघालय है, पूरा मेघालय, यह शिलांग पठार है। शिलांग का पठार, जब हम आगे पठार पढ़ेंगे तो उसमें पठार पढ़ेंगे, तो जो पूरा मेघालय राज्य है वह शिलांग पठार पर स्थित है। शिलांग पठार जो है वह हिमालय का भाग नहीं है, शिलांग पठार हिमालय का भाग नहीं है, यह राजमहल पहाड़ी का भाग है, यह राजमहल पहाड़ी का भाग है। जब हम भारत के मध्य में विंध्य पर्वत श्रेणी, सतपुरा पर्वत श्रेणी को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम राजमहल पहाड़ी का भी उल्लेख करेंगे। यह जो राजमहल पहाड़ी है यह सतपुरा पर्वत का ही पूर्वी विस्तार है, जिसे बीच में बांग्लादेश में बहुत सारी नदियों ने उसे उसका अपर्दन कर दिया है, उसे काट और छाड़ दिया है। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है उसे राजमहल पहाड़ी, या जो राजमहल पहाड़ी का विस्तार पूर्व में है बहुत सारी नदियों ने उसे काट दिया है, जिसे गारो गैप या मालदा गैप, जिसे गारो गैप, गारो गैप या मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। जो राजमहल पहाड़ी का पूर्वी विस्तार था, राजमहल पहाड़ी का भाग शिलांग पठार है जिसे बीच में बहुत सारी नदियों ने काट दिया है, इसलिए वह भाग समतल हो गया है। यह भाग है हमारे बांग्लादेश के क्षेत्र का, यहाँ से ये गया है पर्वत श्रेणी, यहाँ से ऐसे यहाँ तो फैला हुआ है, बीच में नदियों ने इसे काट खत्म कर दिया। हम जानते हैं कि यहाँ पे मेघना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तो वहाँ पे पद्मा बन जाता है, बहुत सारी नदियाँ, इसीलिए बांग्लादेश को नदियों का देश, याद रखिएगा बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत सारी नदियाँ आती हैं। तो इसी राजमहल पहाड़ी के पूर्वी विस्तार ही शिलांग पठार है, जिसे बीच में बहुत सारी नदियों ने इसका अपर्दन कर दिया है, बीच में एक स्थान खाली हो गया है जिसे गारो गैप या मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। हम थे गारो खासी जयंतिया पहाड़ी पे। तो ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पे है? मेघालय में है। और मेघालय पूरे किस पे है? पूरा मेघालय शिलांग पठार पर स्थित है। इस प्रकार जो ये तीनों पहाड़ियां हैं वह शिलांग पठार का ही भाग है। अब देखते हैं हम वहां पे कुछ और पर्वत श्रेणी। देखिए ये हो गया हमारा गारो, ये खासी हो गया और ये जयंती हो गया। यहाँ पे एक लाल कलर सी पर्वत श्रेणी आपको छोटी सी दिख रही होगी, यह जो छोटी सी है इसे हम जानते हैं बराइल पहाड़ी के नाम से। बराइल, जो यह बराइल पर्वत श्रेणी है यह असम में है। गारो खासी जयंतिया ये पर्वत श्रेणी मेघालय में है, लेकिन जो बराइल पर्वत श्रेणी है यह असम में है। बराइल श्रेणी असम में है। गारो खासी जयंतिया यह हिमालय का भाग नहीं है, यह शिलांग पठार का भाग है, जबकि बराइल पर्वत श्रेणी हिमालय का भाग है। गारो खासी जयंतिया यह शिलांग का भाग है, जबकि बराइल पर्वत श्रेणी यह असम, बराइल पर्वत श्रेणी जो असम में है यह हिमालय का भाग है। आपको गारो खासी जयंतिया के ऊपर दो छोटे छोटे ग्रीन कलर से पर्वत श्रेणी दिख रहे होंगे, जिसे हम रेंगमा और मिकिर के नाम से जानते हैं। रेंगमा और मिकिर पहाड़ी असम में स्थित है, जो हिमालय का भाग न होकर शिलांग पठार का है। रेंगमा और मिकिर, रेंगमा और मिकिर पर्वत श्रेणी असम में है, जो हिमालय का भाग नहीं है। यहां पे बराइल पर्वत श्रेणी, जो बराइल है वह भी असम में है, मिकिर और रेंगमा यह भी असम में है, लेकिन बराइल जो है वह हिमालय का भाग है। बराइल पर्वत श्रेणी हिमालय का भाग है, जबकि मिकिर और रेंगमा पर्वत श्रेणी शिलांग पठार का है। तो शिलांग पठार का भाग जो है वह रेंगमा मिकिर हो गया, गारो खासी और जयंतिया हो गए। तो ये हो गए हमारे पूर्वोत्तर भारत के पर्वत श्रेणी। अब हम आगे देखते हैं, इसी चैप्टर में हम देख लेंगे कि भारत के प्रमुख ग्लेशियर, भारत के प्रमुख ग्लेशियर और दर्रे। ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो
इसीलिए इसके जस्ट बाद एक वीडियो है होगा, मतलब ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रहा है, इसके बाद अगला वीडियो आपका होगा जिसमें हम भारत के प्रमुख ग्लेशियर जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसे पढ़ लेंगे। उसके बाद उसी वीडियो में ही हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे और उन दर्रों का उपयोग, जैसा कि एग्ज़ाम में प्रश्न अब बहुत सिंपल नहीं पूछता कि यह दर्रा कहाँ है, एग्ज़ाम में अब प्रश्न यह पूछता है कि इन दो क्षेत्रों के बीच कौन सा दर्रा है, यह इन दो क्षेत्रों के मार्ग, इन दो शहरों या क्षेत्रों के बीच जो मार्ग हैं उन्हें कौन सा दर्रा जोड़ता है। अब एग्ज़ाम का पैटर्न बदल चुका है, अब प्रश्न बहुत बढ़ा के पूछा जाता है, तो हम उसी आधार पर जिस आधार पर वर्तमान समय में प्रश्न पूछा जा रहा है उस आधार पर दर्रा का अध्ययन करेंगे। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।